जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना ने 40 किलो आरडीएक्स बरामद किया। ये आरडीएक्स कठुआ जिले के बिलावर इलाके से बरामद हुआ है। जम्मू रेंज के आईजी ने ऑपरेशन के बाद कहा कि इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के ऑपरेशन लगातार 4 दिन चलाए जाएंगे। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। बिपिन रावत का कहना है कि पाकिस्तान ने फिर से बालाकोट इलाके में सेना आतंकियों को तैनात किया है। बिपिन रावत का कहना है कि बालाकोट इलाके में 500 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में हैं और इसको लेकर सेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। जिन सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उनमें है त्रिपुरा की बाधारघाट सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, वहीं केरल की पाला और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की चारों सीटों में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा सीट सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ये सीट बीजेपी विधायक की हत्या के बाद से खाली हुई है। वहीं चुनाव को अहमियत से देखते हुए इलाके में 18,000 लोगों की फोर्स तैनात की गई है। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 27 सितंबर तक आए। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने देश की अलग अलग भाषाओं में सबके ठीक बोलकर किया। पीएम मोदी के हाउडी मोदी का प्रोग्राम में भारतीय और अमेरिकी संस्कृति से जुड़े कई सारे प्रोग्राम किए गए। इस दौरान भारतीय और अमेरिका मूल को लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम किए। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को भी याद किया गया। इस बीच महात्मा गांधी के सबसे पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तैने कही गाया गया और भजन को गाने में भारतीय अमेरिकी मूल के सिंगर साथ में स्टेज पर आए और महात्मा गांधी को याद किया गया। ह्यूस्टन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को लेकर आखिरी फैसला लेने का वक्त आ गया है। साथ ही दावा किया कि आतंकवाद की समस्या को लेकर भारत अब निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए अमेरिका और इसराइल की तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काफी तारीफ भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के रिश्ते ट्रंप के साथ काफी अच्छे से जुड़े हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ट्रंप किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है और आज दुनिया भर के लोग ट्रंप के एक शब्द को फॉलो करते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान को लेकर कहा कि जो देश खुद को नहीं संभाल पाता वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर परेशान है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बयान दिया कि 70 सालों से कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 ने विकास से वंचित रखा था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों तक उनका हक पहुंचेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान टैक्स व्यवस्था में किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी का जिक्र करते हुए टैक्स व्यवस्था आसान होने की बात कही। पीएम मोदी ने दावा किया कि जीएसटी की वजह से टैक्स व्यवस्था में सुधार हुआ है। साथ ही मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में पहले से चले आ रहे टैक्स के जंजाल से लोगों को मुक्त कर दिया है। पीएम मोदी ने भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया भी कि भारत में इस समय 1 GB डेटा की कीमत किसी भी देश के मुकाबले 20 गुना कम है। साथ ही पीएम मोदी ने भारत में राज्य और केंद्र सरकार की 10,000 सर्विस ऑनलाइन उपलब्ध है और जिन कामों में पहले हफ्तों का वक्त लगता था वो काम अब कुछ ही समय में पूरे हो जाते हैं। अपने संबोधन के दौरान देश की विविधता का जिक्र भी किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विविधता भारत की एक धरोहर की तरह है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बयान दिया कि भारतीय जहां जाते हैं अपनी डेमोक्रेसी के साथ अपनी डाइवर्सिटी भी लेकर जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनआरजी की एनर्जी भारत और अमेरिका की बनती सीनर्जी की गवाह है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान भी बताया। पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने उधार के विमान से पहुंचे। इस मुलाकात में इमरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर करने को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा खान यहां 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे। हाउडी मोदी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपको याद दिला दें कि आप यूएसए में हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी चुनाव के स्टार प्रचारक हैं।
आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी जेल से ही आउट मोदी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट पर चिदम्बरम ने कहा कि बेरोजगारी, नौकरियों पर संकट, मॉब लिंचिंग कश्मीर में, तालाबंदी, विपक्ष नेताओं को जेल में डालना और कम वेतन छोड़कर भारत में सब अच्छा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कई कांग्रेस नेता आज भी पी चिदम्बरम से मिलने दिल्ली का तिहाड़ जेल पहुंचे। इसके साथ ही चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम भी आज अपने पिता पी चिदम्बरम से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे। इस दौरान कार्तिक चिदम्बरम ने पिता और मेरा परिवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वो उनसे मिलने आए और उनका समर्थन किया। यूपी से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे यूपी के किसानों ने वापस जाने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। हालांकि उनका यह कहना है कि सरकार ने उनकी सिर्फ 5 मांगे ही मानी और पूरी मांगे न माने जाने पर वो फिर से धरना देंगे। इस बीच भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष सुपर 50 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। साल के इस आजाद मुल्क में ये सवाल तो पूछना होगा कि आज भी जात, धर्म, समाज, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम क्यों और आखिर कब तक? तिरंगा छोड़ बाकी झंडों के तरफदार, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आखिर कहां तक? जो राष्ट्र सीमा पर एक नजर आता है, देश के अंदर आखिर कैसे बिखर जाता है, खुदगर्जी में खोखला बन जाता है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। मेरा आपसे सीधा सवाल कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी, इंसानियत? और सवाल पूछना हमारा धर्म। R9 राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। खबरों का कोई मजहब नहीं होता, ना मजहब में खबर होती है। खबरों की सीमा भी नहीं होती, पर खबरें एक सीमा में होती हैं। खबरों की कोई विचारधारा नहीं होती, पर विचारधाराओं में खबर होती है। लेकिन मजहब सीमा और विचारधाराओं से भी ऊपर होता है राष्ट्र, यानी राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। R9 TV। और ब्रेक के बाद फिर से रुक करेंगे सुपर 50 का। आयुष्मान भारत योजना के 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। साथ ही सीएम योगी ने बताया कि इस योजना के जरिए करीब 50 लाख लोगों को जोड़ा गया है और आज योजना से यूपी के लाखों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बाराबंकी में शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में बीजेपी ने महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम का संबोधन किया। आयोजन के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने लड़कियों को महिला शक्ति के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि चुनाव में पुरुषों से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होने वाली है, तो वहीं केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया। दबंगों की गुंडाई का मामला सामने आया है, तो वहीं मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। वीडियो में एक मकान के सामने दीवार लगाने के विरोध में जमकर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। विरोध करने वाले दबंग कानून के हाथ में लेकर लाठियों को बरसात
कर रहे हैं। लाठियों की बरसात के कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने दबंगों को रोककर पुलिस में शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। समर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष मामला सामने आया। इस दौरान दो महिलाएं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की पुलिस को खबर देने वाले शख्स को भी गोली मार दी गई। वारदात की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर में नियमितीकरण की मांग को लेकर 108, 102 एम्बुलेंस की एमटी और घायल चालक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सभी एम्बुलेंस जिला जेल के सामने मैदान में खड़ी है, धरना दे रही है। तो जानकारी के मुताबिक रात 12 बजे से एम्बुलेंस की सेवाएं ठप कर दी गई हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ड्राइवर्स अभी तक अधिकारी बात करने के लिए आगे नहीं आए। बिजनौर में 25 लाख की रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। यहाँ व्यापारी मुनीर अहमद का आरोप है कि किसी अनजान शख्स ने चिट्ठी लिखकर उससे 25 लाख की रंगदारी मांगी है और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। चिट्ठी मिलते ही व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी को पुलिस सुरक्षा देकर मामले की जांच में जुट गई और आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा कर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला थाना इंद्रपुरम का है, जहां पुलिस और स्कूटी सवार दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश ने चोरी की स्कूटी, अवैध हथियार जब्त कर उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है और मौके से फरार बदमाश की तलाश जारी है। भारती आज उत्तराखंड में हरिद्वार पहुंची। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि कैलकुलेट ही करते जा रहे हैं और हमने कितनी रोटियां खाई और कितने पकोड़े। वहीं उमा भारती ने राहुल गांधी की हाउडी मोदी को महंगा इवेंट बताने को पर भी निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि इस इवेंट का अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर। देहरादून में शराब की फैक्ट्री के विरोध में अनशन पर बैठे साधु संत और हिंदू संगठनों के समर्थन में उतरे साध्वी प्राची भी आ गए। धरने में शामिल होने के साथ ही साध्वी प्राची पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी की मांग उठाई है। साध्वी प्राची ने कहा कि वो उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में शराब कारखानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। सिद्धार्थनगर में एनसीसी के 10 दिनों के शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश के 400 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। गोरखपुर एनसीसी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर जेएस राजपुरोहित ने शिविर का निरीक्षण किया, जिस दौरान कैंडिडेट को रहने और सहने बाकी की सुविधाओं का मुआयना किया गया। उन्होंने बढ़ावा दिया और राजपुरोहितों ने कहा कि एनसीसी समाज की सेना है और ये लोकल कॉलेज के साथ मिलकर इनको ट्रेनिंग देती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने पानीपत रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भिवानी की तरफ से जाने वाली ट्रेन में डिब्बे कम होने के चलते परीक्षार्थियों को बैठने की जगह नहीं मिली, जिससे नाराज होकर सभी ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इससे यहां मौजूद यात्रियों को काफी परेशानियां। पंचकुला जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर 61 साल के एक बुजुर्ग को एमआरआई मशीन में डालकर भूल गए। वहीं बुजुर्ग की सांस जब टूटने लगी तो खुद निकलकर बाहर आया। पीड़ित ने मामले में शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की है, जिसके बाद उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि टेक्नीशियन ने ही मरीज को बाहर निकाला, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कराई जा रही है। सोनीपत में दो बदमाशों ने दीपक नाम के शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान ये पूरी वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मृतक दीपक सिविल इंजीनियर का काम करता था। सुपर 50 में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक। साल के इस आजाद मुल्क में ये सवाल तो पूछना होगा कि आज भी जात, धर्म, समाज, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम क्यों और आखिर कब तक? तिरंगा छोड़ बाकी झंडों के तरफदार, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आखिर कहां तक? जो राष्ट्र सीमा पर एक नजर आता है,
देश के अंदर आखिर कैसे बिखर जाता है, खुदगर्जी में खोखला बन जाता है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। मेरा आपसे सीधा सवाल कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी, इंसानियत? और सवाल पूछना हमारा धर्म। R9 राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। खबरों का कोई मजहब नहीं होता, ना मजहब में खबर होती है। खबरों की सीमा भी नहीं होती, पर खबरें एक सीमा में होती हैं। खबरों की कोई विचारधारा नहीं होती, पर विचारधाराओं में खबर होती है। लेकिन मजहब सीमा और विचारधाराओं से भी ऊपर होता है राष्ट्र, यानी राष्ट्रधर्म सर्वप्रथम। R9 TV। 72 साल के इस आजाद मुल्क में ये सवाल तो पूछना होगा कि आज भी जात, धर्म, समाज, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम, क्यों और आखिर कब तक? तिरंगा छोड़ बाकी झंडों के तरफदार, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आखिर कहां तक? जो राष्ट्र सीमा पर एक नजर आता है, देश के अंदर आखिर कैसे बिखर जाता है, खुदगर्जी में खोखला बन जाता है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए पहले है। मेरा आपसे सीधा सवाल कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी, इंसानियत? और सवाल पूछना हमारा धर्म। R9 राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। और ब्रेक के बाद सुपर 50 में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर जिले में एक हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला रादौर इलाके का है, जहां एक टॉपर डंपर का टायर अचानक से फट गया। इस दौरान गाड़ी चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जोधपुर में कांगो हेमरेजिक फीवर का कहर जारी है। इस बीच बीमारी के अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एम्स से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के पास इस सिलसिले में रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले में जांच पड़ताल कर रही है और 50 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने एम चन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में भारत की 9 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर दी है। और सीरीज की पहले मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच भारत ने 7 विकेट जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए आखिरी मैच में टीम इंडिया को हार का सामना तो करना पड़ा, लेकिन मैच में एक मजेदार वाकया तब देखने को मिला जब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। भारत दक्षिण अफ्रीका से अपना आखिरी मुकाबला भले ही हार गया हो, पर भारतीय टीम से ज्यादा ऋषभ पंत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ऋषभ को लगातार मौका मिलने के बाद भी वो अपने बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में पहली बार होने वाले NBA के मुकाबले को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुझे इस इवेंट के लिए बुलाएं तो मैं भारत आ सकता हूं। अगले महीने मुंबई में 4 और 5 अक्टूबर को पहली बार NBA का मैच होंगे।
भारत के युवा पहलवान दीपक पुनिया चोट के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। पुनिया को 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में ईरान के हसन याजदानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन चोट की वजह से वो मुकाबले में नहीं कर पाए। घरेलू शेयर बाजारों में शानदार तेजी के साथ शुरुआत हुई और केंद्र सरकार की तरफ से कॉरपोरेट टैक्स घटाए जाने के बाद लगातार बढ़त दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 13,000 तक का उछाल दर्ज किया गया है और निफ्टी में भी 300 अंकों की तेजी देखने को मिली है। सरकार की तरफ से कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरों को लगभग 10% घटाकर 25.17% करने की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। इंडियन रेलवे ने 247 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया उनमें ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें, रेलवे ने कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को भी कैंसिल करने का फैसला लिया है। देश भर में रेलवे ने कई जोन में रेलों को मरम्मत करने का काम करने की वजह से रेलों को कैंसिल किया है। रेलवे की वेबसाइट नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है। भारतीय रेल की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में वक्त वक्त पर पटरियों और रेलवे की दूसरी ढांचागत व्यवस्था में सुधार, ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज पर उछाल देखने को मिला है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी के तेल संयंत्रों पर 14 सितंबर को हुए हमले के बाद भारत में तेल के दाम में आग लगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल की कीमत में 19 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बीते दिन दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। 7 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 1.88 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल का भाव 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। ट्रांजेक्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। फेल ट्रांजेक्शन के बाद अब अपना पैसा वापस अकाउंट में पाने के लिए ग्राहकों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि खाते से पैसे तो कट जाते हैं लेकिन मशीन को भुगतान नहीं हो पाता है। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक सर्कुलर में कहा है कि अगर बैंक या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर मुद्दे का निर्धारित समय सीमा का अंदर समाधान करने में नाकाम होते हैं तो उन्हें ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा का आज 84वां जन्मदिन है और प्रेम ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। यही वजह है कि बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम शुमार है और प्रेम कहते हैं कि अगर मेरी हीरो के तौर पर फिल्में सफल हो जाती तो मैं भी हीरो होता। जब मैं विलन बना तो वो फिल्में खूब हिट हो गई और इसलिए मैं विलन बन गया। साल 1965 में प्रेम की फिल्म शहीद रिलीज हुई और देशभक्ति लवरेज इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। अपने जवानों की सुपरहिट एक्ट्रेस तनुजा आज अपना 76वां बर्थडे मना रही है। तनुजा एक्ट्रेस कार्गो की मां और सुपरस्टार अजय देवगन की सास है। भले ही तनुजा आज 76 साल की हो गई हों, फिल्मों से दूर हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनके स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस देखकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी हैरान हो गई थी। तनुजा अपने समय की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक थी और पार्टियों में बोल्ड ड्रेस, सिगरेट, विस्की पिया करती थी। तनुजा ने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान की जानी मानी वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन में सैफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शानदार एक्टिंग की है। इस वेब सीरीज को बेस्ट ड्रामा की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में एक्टर सैफ अली खान ने इसमें सरताज सिंह का किरदार निभाया है। इसके अलावा ब्राजील के कॉन्ट्रो टोडस के तीसरे सीजन को, जर्मनी के बैम बैक्स और ब्रिटेन के मैक माफिया को भी इसी श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था। बिग बॉस का 13वां सीजन शुरू होने में अब कम समय ही रह गया और ऐसे में सलमान खान इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर बज बने हुए हैं और कंटेस्टेंट के नाम से लेकर इस बार बिग बॉस के घर का थीम क्या होगा इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में कंटेस्टेंट के घर में जाने से पहले बिग बॉस के घर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो किसी म्यूजियम से कम नहीं लग रहा है। बिग बॉस के मेन गेट में करीब 20 फुट का बीबी बनाया गया है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है और जानकारी के मुताबिक इस बार घर में 14 कंटेस्टेंट एंट्री करने वाले हैं। बॉलीवुड के मास्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले स्टार्स में गिने जाते हैं और हर साल
वो 4 से 5 मिनट में आसानी से कर लेते हैं। अक्षय कुमार जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो फिलहाल में नजर में आएंगे और इस म्यूजिक वीडियो में वो कृति सेनन का बहन नूपुर सेनन के ऑपोजिट नजर आएंगे। अक्षय ने वीडियो सॉन्ग की शूटिंग की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर पर सेट के दौरान की कुछ तस्वीरों के साथ ये जानकारी साझा की। टीवी एक्टर हिना खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर के नाइट वेयर में फोटोशूट कराया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। हिना खान को उनके स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। बिग बॉस 11 के बाद से हिना खान स्टाइल आइकन बन गई हैं। शो में उनके आउटफिट और स्टाइल टॉकिंग पॉइंट रहे थे और हिना ने अपने फिटनेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और अब हिना की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बौर का एक पार्टी नंबर सॉन्ग जय जय शिव शंकर सामने आ गए, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कुछ समय पहले फिल्म का पहला गाना घुंगरू रिलीज हुआ, जिसे YouTube पर 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें तो ऋतिक और टाइगर फिल्म बौर में पहली बार एक साथ नजर आने जा रहे हैं और जिसका ट्रेलर दोनों के फैंस ने काफी पसंद भी किया। श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली बेटी जानवी कपूर अपने लुक्स के साथ अपनी फिटनेस पर भी जमकर ध्यान देती है। फिल्मों में शूटिंग में बिजी जानवी कभी भी जिम जाना नहीं भूलती, वो अपने वर्कआउट के लिए बिजी शेड्यूल से भी समय निकाल लेती हैं। हाल ही में जानवी कपूर को मुंबई में पायलट जिम के बाहर स्पॉट किया गया। जिम के बाहर जानवी एक स्पेशल फ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए देखी गई।